गुड मॉर्निंग. सुबह ब्लॉगिंग नहीं शुरू कर पाई. आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन एंड वी वेर जस्ट डिस्कसिंग. हम जो कल मोर मेगा स्टोर गए थे, इसी उम्मीद से गए थे कि वहाँ पे एक मस्त वाला बेकरी होता था और वहाँ पे हम हमेशा जाते थे तो एग पफ ज़रूर खाते थे. सो अश्विनी वॉज अ लिटिल, बोलते हैं ना, थोड़ी दुखी हो गया. अरे बेकरी पूरा बंद कर दिया, हम इतने साल बाद गए. एक्चुअली तो हमको पता ही नहीं चला कि कब बंद हुआ. लॉकडाउन में आई कैन अंडरस्टैंड वो शायद वो तभी बंद हो गया होगा. बट वी वेल लाइक एग पफ नहीं मिला, जल्दी जल्दी शॉपिंग करो और निकल लो. तो वी वेल लाइक, और थोड़ा सा डल डल भी लग रहा था. मोर को हमने बहुत ही भड़ा भड़ा देखा है तो जल्दी जल्दी शॉपिंग किया और वापस आ गए. ट्राई कर रही हूँ बनाने का पड्डू विथ बेसन एंड राइस फ्लोर. मैं हमेशा पड्डू बनाती हूँ डोसा इडली बैटर से, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ और मन नहीं कर रहा था तो लेट मी ट्राई समथिंग. वही सुबह सुबह थोड़ा ट्राई एरर वाला इशू, थोड़ा सा वो लगता है कि डाउटफुल रहता है कि होगा या नहीं, फिर नाश्ते में लेट हो जाता है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि भाई बन जाए बन जाए. एज यूजुअल कल भी तो काफ़ी लेट ही सोई थी, लेकिन फिर भी जल्दी उठ गई, लेकिन लेजीनेस के मारे पड़ी नहीं. दिस इज द पड्डू बैटर. इतना क्वेश्चन करते हैं ना, धीरे से बता रही हूँ. मैंने नारियल चटनी में बीट रूट भी डाला है तो वो कलर एकदम अलग बन गया है. एंड ही इज़ लाइक, इसमें क्या डाला है, ऐसा क्यों कलर है, मैं मेयोनीज से खाऊंगा, ब्ला ब्ला. मैंने बोला नहीं नहीं ये ऐसे ही अच्छा चटनी है खाना. ये चुपचाप खा रहे हैं एंड ही डजंट नो दैट इट्स बीट रूट इन इट. तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ बीट रूट. जैसे बच्चों को खिलाता है ना बिना बोले, ऐसा कुछ कर दो कि समझ में ना है क्या है. क्या हो रहा है, ठीक लग रहा है? टू 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 टू, गाना मस्त है यार. देखिए मैं पड्डू, इट्स गुड एक्चुअली. मैंने रील के लिए एक्चुअली पड्डू में बीच में मैंने मैं डाला ताकि वो अच्छा दिखे चटनी. मुझे ऐसा लगा कि अच्छा पता नहीं दिखेगा या नहीं, काइंड ऑफ आई हैड समथिंग इन माई माइंड. और मैं भूल के मैं मायो के साथ खा गई एंड नाउ ही इज़ लुकिंग कि मेरे को वो बकवास चटनी मेरे को खिला दिया और मेरे को मायो नहीं दिया. मैं क्या करूँ, इंस्टाग्राम के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता. हाँ, ऊपर एक आदमी कंटिन्यूस छींक छींक के छींक छींक के छींक छींक के, ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिशन में छींक रहा है वो इतने जोर से. माई गॉड, आप लोगों को सुनाई नहीं देगा. एनी वेज यार, एक फ़ोन लेना ही पड़ेगा लग रहा है. नहीं हो रहा है बर्दाश्त, अब वाट लगी पड़ी है फ़ोन की. जस्ट मैसेज आया, पानी बंद होने वाला है 12 बजे से, तो हम लोग बस एक्स्ट्रा पानी भर के रख रहे हैं. I love winter because of this. जो ऑरेंज बहुत पसंद है और मैं विंटर का वेट सिर्फ इसके लिए करती हूँ. मैंने एक रील पोस्ट किया है थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम में, लाइक सुबह. उस पर इतने कमेंट्स आ रहे हैं because something is new in that reel. Only I am not visible on the food that I prepare is not visible. There is someone else in the video, my husband. That's the reason maybe sab log ekdam chauk gaye hai because Ashwini is not that kind of person ki wo reel banaye mere saath. But just that it was our anniversary. So maybe he agreed to my masti wala request. एंड हम बस एकदम इंस्टेंटली बना दिया रील को, एकदम ज़्यादा कुछ सोचा नहीं. और मेरी बहन थी तो उसने शूट भी कर लिया. और उसके बाद व्हाट यू आर डूइंग, हट. तो उसके बाद हुआ कि मैंने आज जाके वो पोस्ट किया, वो हैदराबाद का 28 नवंबर का शूट किया हुआ वो रील था. बड़ा मज़ा आ रहा है. मैं इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे छोड़ रही हूँ, अगर आप लोगों को भी देखना है मेरा रील तो आप लोग जाके देख सकते हैं. क्या बोलते हैं, विकी कटरीना की शादी में सब बड़े एक्टर्स लोग गए मस्त एकदम, शाहरुख आलिया ब्ला ब्ला, पता नहीं दो स्क्रॉल में तो ये सब दिख रहा है. तो क्या करें, वो हमारी शादी में आए थे कि हम उनकी शादी में जाएंगे. विकी क्या, हाँ सही बात है.
करेक्ट ना पूरी ऐसे छोले बनते बनते हाफ में मैंने चावल बना लिया हाफ में पूरी चाहिए पूरी बन जाएगा क्या तो बन रहा है पूरी वैसे मुझे भी बहुत मन था बहुत दिन से खाया नहीं था पूरी है ना तो भटूरे बना लेती हाँ भटूरे में टाइम लगता है उसको बहुत नाटक है भटूरे में दही से ये करो फिर रेस्टिंग टाइम रहता है पूरी फूल नहीं रही तुम्हारे फूलेगी इट्स ऑल अबाउट एक्सपर्टीज यू नो सी इट्स अ सी देखो मेरे काम में शक ना किया करो ठीक है और खाने पे तो बिल्कुल शक ना किया करो अच्छे फोटोज़ के लिए क्या क्या करना पड़ता है बाहर लाइटिंग घर के अंदर बैंगलोर में तो धूप ही नहीं निकल रही है कि अच्छा मैं कुछ करूँ तो बस हम खाएंगे ये रिमोट इधर है हटाना ओके मस्त तो है बाकी मैं मेजरमेंट बता रही हूँ काफी बड़ा लग रहा है मुझे तो है ना काफी बड़ा है मस्त है क्या डेजर्ट चाहिए आप हमारे घर में पहली बार है कि क्या है मिरिंडा भी है मतलब ड्रिंक भी है स्वीट भी है पेड़ा और फिर क्या आइसक्रीम भी है ऐसा तो कभी होता नहीं है कल बेकार का दो तीन चीजें बेकार खरीद के लाए हम अनहेल्दी सब नहीं दूंगी मैं सब दे देती हूँ किसी को है ना क्या बोलते इसमें मनी प्लांट नहीं लग सकता उसमें पानी का वो ज्यादा वो नहीं है डेप्थ तो नहीं है लटकने वाला, नकली लटकने वाला पेड़ कितने कमी था तो खरीदने वाले थे ना लाने नहीं दिया कैसे ले रहे थे हम मेहनत के बाद मैंने इमली का ये अच्छे से छन्नी से छाना है इतने सारे बीज और जो इमली का रहता है सब कुछ और अब मैं घी बनाऊंगी शाम को ही रहता है बस कुछ कुछ एक्स्ट्रा बनाओ एंड घी तैयार है इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ चलो वॉक पे एंड आई जस्ट गॉट बिजी थोड़ा सा इधर उधर ठंडी कितनी है तो क्या हो गया यार ठंड में मतलब इंसान लेके जाऊंगा मतलब मैं जिस चीज से नफरत करती हूँ आई वेंट टू लाइक नॉर्थ ईस्ट में काफी सारी जगह पे मैं घूम चुकी हूँ गौली पीपल टेकिंग आउट द कंबल लाइक द ब्लैंकेट फ्रॉम द होटल होटल में जो उनको प्रोवाइड किया गया है ब्लैंकेट उसी को लपेट के वो सनराइज देखने आते थे ये करने आते थे आई वॉज लाइक क्या इतनी ठंडी है मंकी कैप लाइक हमको भी पता है ठंड होती है हम भी जैकेट टोपी वोपी पहनते लाइक होटल का उठाया हुआ ब्लैंकेट आई डोंट रिमेम्बर द ईयर बट दैट वॉज लाइक मैं काफ़ी छोटी भी थी लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ याद है दैट आई वॉज नॉट लाइकिंग कि मैंने बोला था अपने मम्मी को मम्मी ये लोग क्या पहन के आया है एंड आई कुड रिकोगनाइज इट्स अ होटल ब्लैंकेट माई गुडनेस और आज सालों बाद मुझे याद दिलाया इस आदमी ने ऐसी हरकत करके इस आदमी ने वॉट एवर आई इट्स बी गुड हिंदी राइट मैं बहुत अच्छा हिंदी बोल रही हूँ बींग ए बंगाली सो एनी वेज People should not complain. चले अगर हम रेडी हो गए तो सो कॉल्ड हाँ यू हैव टू टच द कीज यहाँ पे इतना दूर कहाँ अंदर ही तो हाँ यू हैव टू टच आई विल नॉट टच एनीथिंग यू हैव माई गॉड बहुत ठंडी है ठीक है थोड़ी देर चल के आ जाएंगे यू हैव टू लॉक द डोर टू तो जा बहुत ठंडी है हवा चल रही है मस्त वाला मास्क लेना ही भूल गए मैं कोविड को लेके इतना पैनिक कर चुकी हूँ पिछले साल से कोविड तो हो ही गया इतना पैनिक करके भी
और अभी भी मेरा पैनिक ख़त्म नहीं हुआ है. ही इज़ जस्ट होल्डिंग द कीज घर का. और कल मुझे याद है कि हम लोग सुपरमार्केट से आए तो हमने बिना सैनिटाइज किए ही मैंने कीज़ यूज़ किया था और उसको मैंने ऐसे ही रख दिया था. मैं भूल गई अभी आते वक्त सैनिटाइज, तो मैं हाथ देखे जा रही हूँ कि कहीं टच ना करे. अभी तो बोला मैं बनाऊंगा श्रेया. देखो चावल समवन कुक्ड डिनर टुडे. क्या है? नो आई डिडंट. यू डिड. ये मैंने बनाया चिकन फ्राइड राइस. मन में चिकन और सामने प्लेट में अंडा. एक फ्रेंड से बात होने लगी, इतना लंबा खिंच गया बात. एक्चुअली कॉलेज की फ्रेंड है मेरी. जब भी बात होती है तो लंबा खिंच जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बाद बाद हम बात करते हैं. बस अभी ऑलरेडी 12 बज चुके हैं एंड आई विल जस्ट क्विकली एडिट यस्टरडेज ब्लॉग और बस उसके बाद थोड़ा सा काम है, वो काम करके सो जाऊंगी. लग रहा है दिन शुरू हुआ है, ऐसा फीलिंग है मुझे. Gracias.